नमस्कार दोस्तों, गुजराती चेस जोन में आप सभी का स्वागत है। लास्ट टाइम हमने रुई लोपेज की पूरी सीरीज खत्म की है। आज से मैं रुई लोपेज के सामने एक ऐसी जबरदस्त अटैकिंग लाइन आपको बताने वाला हूँ जिसका नाम है मार्शल अटैक। बहुत ही ओल्ड लाइन है, मार्शल अटैक पहले बहुत खेली जा चुकी है, तो यही ओल्ड लाइन अब आप न्यू तरीके से खेलोगे तो कुछ न कुछ आपको बेनिफिट रहेगा। मार्शल अटैक रुई लोपेज के पैटर्न मूव है, जो परफेक्ट मूव। इतने मूव के बाद व्हाइट मार्शल अटैक दो तरीके से रिप्लाई दे सकता है। व्हाइट आपके मार्शल अटैक से डिक्लाइन भी कर सकता है और एक्सेप्टेड भी कर सकता है। तो मार्शल अटैक की पूरी सीरीज मूव बाय मूव सभी मूव में आपको बताऊंगा और एकदम इजी है अटैक करना। बहुत मजा आएगा ब्लैक से खेलने में। मैं बहुत गेम खेल चुका हूं दोस्तों। e4 e5 लाइन में मार्शल अटैक होता है, जो रुई लोपेज की लाइन है। तो आज हम देखेंगे मार्शल अटैक डिक्लाइन लाइन, मतलब व्हाइट एक्सेप्ट नहीं करता है तो क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाइट जब e4 खेलता है, यहां e5 ये हमारा बेस्ट रिप्लाई है। नाइट f3 और आपको यहाँ नाइट c6, ये नॉर्मली सभी ओपनिंग में, बहुत सारी ओपनिंग में ये दोनों मूव कॉमन रहते हैं। जैसे कि स्क्वॉच खेलना है तो वाइट d4 करता है, लेकिन बिशप ओपनिंग खेलना है तो bc4 करता है। यहाँ पे bb5 मतलब रुई लोपेज की स्पेनिश ओपनिंग में कन्वर्ट होता है। यहां आपको खेलना है a6, a6 के बाद बिशप a4, बिशप टेक c6 अगर करता है तो रुई लोपेज का एक्सचेंज वेरिएशन, जिसके बारे में मैंने वीडियो आपको पहले से बना के दिया है, वो आप देख लीजिए। पर बिशप a4 के बाद नाइट f6 के बाद व्हाइट करेगा शॉर्ट कैसल और यहां बिशप e7 Re1 रुक से पॉन को प्रोटेक्ट करता है। यहां आपको खेलना है b5, बिशप b3 और शॉर्ट कैसल। अब दोस्तों व्हाइट अगर c3 खेलता है तो समझ लेना है यहां पे कि व्हाइट ने मार्शल अटैक एक्सेप्ट किया है, चैलेंज एक्सेप्ट की है कि आप अब मार्शल अटैक खेल सकते हो c3 से। अगर उसे डिक्लाइन करना होता है तो व्हाइट यहाँ पे d3 खेल सकता है या फिर a4 तुरंत ब्रेक प्लानिंग कर सकता है। यहां हम देखेंगे मार्शल अटैक के पैटर्न मेन मूव c3। c3 के सामने ब्लैक को रिप्लाई देना है d5। अब यहां पे मेन लाइन जो मार्शल अटैक एक्सेप्टेड है वो मैं मेरे अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि आज हम देख रहे हैं डिक्लाइन लाइन। तो जैसे कि व्हाइट यहां d3 खेल सकता है, एक वेरिएशन d3 वाला है, दूसरा वेरिएशन है d4 काउंटर अटैक ऑन सेंटर। तो d5 के बाद अगर व्हाइट d3 करता है तो d3 के सामने d takes e4 आपको करना है। d takes e4 व्हाइट खेलेगा, उसके बाद क्वीन d1। अब फोर्स मूव है बिशप d1 और फिर बिशप b7। बिशप d1 इसलिए फोर्स है कि रूक टेक्स d1 में नाइट टेक्स e4 आता है। तो बिशप d1, उसके बाद bb7 और यहां पे nbd2 नाइट d7। तो ये स्ट्रक्चर हो गया मार्शल अटैक डिक्लाइन का। और इसमें भी आई थिंक आपको खेलने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए ब्लैक से, और ये पोजीशन भी दोनों के लिए इक्वल भी है, लेकिन ब्लैक स्लाइट बेटर है। स्लाइट बेटर इसलिए कि व्हाइट के दो बिशप अभी भी फर्स्ट रैंक में है और ब्लैक के दोनों बिशप डेवलप हो चुके हैं, नाइट भी बहुत एक्टिव है और दोनों रूक कनेक्ट भी हो चुके हैं, तो ये पोजिशन ब्लैक की फेवर में। दूसरा वेरिएशन देखते हैं, यहाँ पे सपोज
D3 के बजाय नेक्स्ट मूव व्हाइट D4 करे काउंटर प्ले, तो यहां E takes D4 आपको करना है। उसके बाद व्हाइट D5 E5 करता है, तो यहां आपको Knight E4 खेलना है। Knight E4 के बाद Knight takes D4, पॉन तो एक्सचेंज मतलब पॉन वो लेगा ही, तो यहां आपको काउंटर में Knight takes E5 पॉन मिल रहा है। अब Knight E5 के बाद F3, अब F3 में अगर आपने नाइट हटाया तो यहां पे आपका जो E5 नाइट है वो एक्सरे अटैक में थ्रेट में है, तो यहां आप क्या रिप्लाई दोगे? यहां आपको काउंटर अटैक करना है C5 के बाद व्हाइट का रिप्लाई होगा F cross E4, और यहां C cross D4, दोनों को इक्वालिटी मिलती है और इसमें दोनों के पीसेस एक्टिव है, लेकिन इस पोजीशन में भी ब्लैक के सारे पीसेस ज्यादा एक्टिव है। और वेरिएशन देखते हैं दोस्तों, ये पोजीशन में दोस्तों जैसे कि D3 के बदले हम D4 देख रहे थे काउंटर में, तो D4 E takes D4, फिर वाइट E5 करता है Knight E4। अब Knight takes D4 यहां पे, जैसे कि Knight takes D4 हमने देखा, पर उसके बदले अगर वाइट इस पोजीशन में C takes D4 करता है, तो C takes D4 के रिप्लाई में ब्लैक यहां बेस्ट मूव है Bishop G4। Bishop G4 की थ्रेट है Bishop takes Knight, देन Knight D4, तो Bishop G4 एक बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे। ये याद रखना है आपको कि अगर व्हाइट ने Knight takes Pawn नहीं किया और C takes D4 मारा है, तो Bg4 इमीडिएटली आप अटैक में ला सकते हो। व्हाइट रिप्लाई देगा Knight C3, और यहाँ आपको Bishop takes F3 करोगे वो G takes F3 फोर्स है, क्योंकि Queen takes F3 में सिंपली ब्लैक Knight takes D4 फॉर्क के साथ बिशप भी एक्सचेंज हो जाएगा नाइट वर्सेस बिशप, और ये पोजीशन में एक पॉन अप होके आप अच्छे से गेम खेल सकते हो। तो दोस्तों ये थी डिक्लाइन मार्शल अटैक के स्टार्टिंग के मूव्स फिर से देख लेते हैं। E4 E5 Knight F3 एंड C6, यहाँ पे बिशप B5 है,